राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी जिला व उपमंडलीय अदालतों में आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत फिजिकली व वर्चुअली स्तर पर ई लोक अदालत के माध्यम से COVID-19 की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों तरीकों को अपनाते हुए आयोजित किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर वाहन दुर्घटना, मजदूरी विवाद, दीवानी मामले जैसे कि बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण पोषण आदि से संबंधित लंबित विवाद, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण मुआवजा से संबंधित मामले, बाढ़ पीड़ित बिजली पानी बिल से संबंधित मामले, बैंक के चेक बाउंस मामले व राजीनामा योग फौजदारी मामलों सहित अन्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार ने बताया, इससे पीडीएफ अपने मोबाइल में रखना है, हमको मोबाइल में चाहिए, मोबाइल में चाहिए, व्हाट्सएप पे। हाँ सर, क्या है, किस तरह का जो है? माननीय जनपद माननीय न्यायाधिपत सर्वोच्च न्यायालय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार दिनांक 10 जुलाई 2021 को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत ई लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इसके अंतर्गत सिविल वादों व धारा 138 NI एक्ट के वादों, फैमिली कोर्ट से संबंधित वादों और मोटर एक दुर्घटना वादों से संबंधित याचिकाएं और भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत व जल से संबंधित मामले और BSNL से संबंधित मामले और अन्य बैंकों से ऋणों के संबंध में वादों का और श्रम वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर नियत तिथि को निस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्टेज के वादों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इन सब को निस्तारण किए जाने के लिए COVID-19 के तहत राज्य सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए संपादित किया जाएगा।